तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इसके बारे में। जी हाँ, माइक्रोमैक्स का इन टू के बारे में कुछ इशू हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, और साथ साथ एक क्विक रिव्यू जो देता हूँ हर फोन के आखिरी के एंडिंग में उसके बारे में बात करेंगे, क्या कुछ फोन में अच्छा है बुरा वो तो बात करें। लेकिन एक मेन चीज जो कि इस फोन के साथ इशू हो रहा है, और जैसे कि आपको थंबनेल में भी दिखा होगा कि मेरे फोन के बारे में यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे वीडियो भी मैं भी देखा हूँ कि कोई उसके बारे में बता नहीं रहा, तो शायद से मेरे फोन में ऐसा होगा। लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स जो है वो यहाँ पे कमेंट करके मेरे को बताया कि उनके फोन में भी ऐसा हो रहा है, तो इसीलिए मैं लिखा हूँ कि इशू विथ माई फोन, मेरा जो ये माइक्रोमैक्स का इंटूब है इसके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, और भी कुछ व्यूअर्स है जो कि कमेंट किए थे उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको जानने में इंटरेस्ट है कि क्या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और फोन परफॉर्मेंस कैसा है, इस सबके बारे में जानने में इंटरेस्ट है, तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो जैसे बताया कि एक क्विक रिव्यू भी होगा और उसके बाद इशू के बारे में बात करेंगे। तो पहले फोन के बारे में एक बता देता हूँ कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा इतना टाइम तक, जो प्रॉब्लम है उसके बारे में तो बताऊंगा, लेकिन अदरवाइज जो फोन कैसा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी फोन का अच्छा है, इस प्राइस में आपको ठीक ठाक बिल्ड क्वालिटी के साथ ही आपको देखने को मिलता है। तो डिस्प्ले क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो डायरेक्ट सनलाइट में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपको, डायरेक्ट सनलाइट में थोड़ा दिक्कत होता है विजिबिलिटी का। अदरवाइज अगर आप रूम के अंदर या फिर थोड़ा डायरेक्ट सनलाइट में नहीं काम कर रहे हैं, तो ठीक ठाक आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे 4G वोल्टेज की बात करते हैं, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, चैनल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे बता दो कि 4G वोल्टेज ठीक ठाक काम करता है, कोई आपको यहाँ पे दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं OTG टेस्ट वगैरह में, तो यहाँ पे सब कुछ तो काम करता है, लेकिन हार्ड ड्राइव वगैरह और कुछ चीज़ काम नहीं करता है, जो कि आप OTG टेस्ट वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे पता चल जाएगा। अदरवाइज जो पेन ड्राइव हो गया या फिर आपका वायरलेस वाला माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये यहाँ पे प्रॉपरली वर्क करता है। अब यहाँ पे आपको पता हो कि यूनी SoC या फिर यूनिसॉक बोल सकते हैं उसका प्रोसेसर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो गेमिंग के बारे में बात करते हैं, तो जितने भी है PUBG हो गया आपका, उसके बाद फ्री फायर हो गया, सब आप गेम यहाँ पे खेल सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, जब आप गेम खेलते हैं तो गेमिंग के बारे में दिखाया था, इवन फ्री फायर भी जब खेलते हैं तो ये 40 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, ये हीटअप हो जाता है, जस्ट 15-20 मिनट में हीटअप होता है। और आपको पता नहीं, तो जब हीटअप होता है तो बैटरी भी बहुत जल्दी ड्रेन होगा, तो बैटरी भी उस टाइम में थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे ड्रेन आपको देखने को मिल जाता है। गेम ये चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता, PUBG भी बिना लैग करते हुए चल जाता है, लेकिन यहाँ पे हीटअप होता है बहुत ज़्यादा, 42 के आसपास PUBG के टाइम में पहुँच गया था, और फ्री फायर के टाइम में 40 डिग्री के आसपास ये पहुँच गया था। वो वीडियो आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल्स में भी पता चल जाएगा। आप डे टू डे यूज करेंगे तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो मेन मेरे फ़ोन में दिक्कत हो रहा है उसके बारे में बता दूंगा, पहले इसको ख़त्म कर दे उसके बाद आपको बता दूंगा। तो ये तो हो गया इसके बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में। आप बैटरी के बारे में बात करते हैं, तो चार्ज होने में 3 घंटे के आसपास लग जाता है इसको, क्योंकि इसमें आपको 10 वाट का चार्जर मिलता है, तो 5000 mAh को चार्ज करने में इसको आपको लगभग 3 घंटा यहाँ पे लग जाता है। आप एक्सट्रीम कर इसमें चार्ज खत्म होने के इतना लगता है, तो 10 आवर्स के आसपास ये जाता है, अगर टोटल स्क्रीन ऑन है और गेम भी खेल रहे हैं, वीडियो भी चला रहे हैं, तो उस टाइम में गर्म भी होता है और बहुत जल्दी होता है, क्योंकि रेगुलरली अगर इस प्राइस में जितने भी फ़ोन आते हैं, यानी कि 8000 के आसपास जितने फ़ोन आते हैं, वो ज़्यादातर 12-13 घंटे तक चल जाते हैं। लेकिन ये क्योंकि बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है, अगर आप GPS नेविगेट करेंगे तो उस टाइम में भी बहुत ज़्यादा हीटअप होता है, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा 38 डिग्री के आसपास चला जाता है GPS के टाइम में भी, तो उसी के चलते बहुत ज़्यादा जल्दी बैटरी ड्रेन भी होता है। इसीलिए इसका SOT जो स्क्रीन ऑन टाइम 10 आवर के आसपास है, अगर आप नॉर्मल यूज करेंगे तो आपको लगभग 1 दिन का आपको बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ साथ बता दूं कि जब चार्जिंग होता है उस टाइम में मोबाइल तो हीटअप नहीं होता, लेकिन जो चार्जर है वो 40 के आसपास चला जाता है, तो ये भी है उसके चार्जर में चार्ज, लेकिन उस टाइम में फोन गर्म नहीं होता, लेकिन चार्जर थोड़ा गर्म होता है। तो ये तो था फोन के बारे में कुछ क्विक रिव्यू कैसा है। और कैमरे के बारे में बताया, तो कैमरा आपको नॉर्मल जैसे इस प्राइस में देखने को मिलता है उसी तरह है, ठीक ठाक कैमरा है, कुछ यहाँ पे आपको खराब देखने को नहीं मिलता, एवरेज आप बोल सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम के बारे में जो मेन इशू है उसके बारे में बात करते हैं, और बहुत सारे व्यूअर्स जो बता रहे थे उनके साथ भी क्या हो रहा है उसके बारे में बता दूंगा। पहले बात करते हैं व्यूअर्स जो रिक्वेस्ट किए थे, जो कमेंट किए थे उनके बारे में बता दूं, उनका फोन में क्या हो रहा है। तो किसी भी फोन में गेम खेलने के टाइम में प्रॉब्लम हो रहा है, और किसी के टाइम में अगर आप फोन यूज करते हैं नॉर्मल यूज करते हैं उस टाइम में भी यूज प्रॉब्लम हो रहा है। जो गेम खेलने के टाइम में जो बोल रहे थे, जो कमेंट किया है वो बता रहा हूं मैं, तो उनका घोस्ट टच का इशू है, यानी कि अगर आप फायरिंग का बटन दबा रहे हैं स्क्रीन में, ऊपर से उसी टाइम में और कुछ बटन दब जाएगा, ऑटोमेटिकली टच में चेंज हो जाता है, तो उसी घोस्ट टच बोलते, तो उसका इशू हो रहा है। मेरे केस में क्या हो रहा है तो वो आपको यहाँ पे वीडियो दिखाई देगा, मैं लगभग 3 बार यहाँ पे जानबूझ के वीडियो शूट किया हूँ, ऑलरेडी हमेशा ये हो रहा है, लेकिन मैं चेंज करके 3 बार ट्राई किया हूँ। जब भी आप फोन अनलॉक करते हैं
उसके टाइम में अनलॉक होने के बाद, एक तो अनलॉक होने में दिक्कत होता है, अगर आप फिंगरप्रिंट नहीं दिए हैं तो स्क्रीन को अनलॉक करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम में ये उसका जो पैटर्न है वो भी शो नहीं करता है। अगर आप फिंगरप्रिंट दिए तो अनलॉक तो हो जाता है, लेकिन उस टाइम में और स्क्रीन का जो चीज़ें हैं वो कुछ काम नहीं करता, पूरा स्टक हो जाता है, यानी कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर जो है वो लैग करता है या फिर हैंग भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाता है, पहली वीडियो में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन ये ओपन नहीं हो रहा है, और ऊपर से भी यहाँ से ऊपर से इसको स्क्रॉल किया, जो ऐप ड्रॉअर है उसको निकाला, वो धीरे धीरे जा रहा है, ऊपर से जो नोटिफिकेशन सेंटर है उसको स्वाइप डाउन कर रहा हूँ उसमें भी दिक्कत हो रहा है, और ऊपर से और एक बार जब मैं इसको लॉक अनलॉक किया तो उसके बाद ठीक हो रहा है, और ये हमेशा हो रहा है। अगर आप तुरंत ही इसको सेट करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको फिर लॉक करके रख देंगे और 10-15 मिनट के बाद अनलॉक करेंगे तो यही दिक्कत फिर से ये होगा। तो ये दिक्कत यहाँ पे हो रहा है, और सेकंड वीडियो भी आप देख सकते हैं, सेकंड वीडियो वही सेम है, इसीलिए मैं एक बार पहले ट्राई किया, उसके बाद 10-15 मिनट के बाद फिर से ये ट्राई किया तो वही हो रहा है, वही सेम चीज़ हो रहा है, वही स्क्रीन चेंज हो रहा है और काम कुछ भी नहीं कर रहा है। इवन ऐप ड्रॉअर को आप अगर निकालेंगे तो वो भी काम यहाँ पे नहीं करेगा। उसके बाद थर्ड वीडियो जो है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, कि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि फिंगरप्रिंट नहीं, क्योंकि फिंगरप्रिंट में तो खुल जाता है लेकिन लैग करता है, तो पहले मैं यहाँ पे स्क्रीन में जो पैटर्न लॉक होता है उसको निकालने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है, और जब फिंगरप्रिंट देके निकाल दिया उसके बाद भी वही सेम प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं खुलता है, ऊपर में स्वाइप अप नीचे स्वाइप अप, जो भी आप स्वाइप डाउन स्वाइप अप जो भी करेंगे कुछ काम नहीं करेगा, एक बार लॉक करेंगे और फिर से अनलॉक करेंगे तो उसके बाद ये ठीक से फिर चलता है, और जब तक चलता है जब तक आप फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, अगर फ़ोन को लॉक करके आप रख दिए 15-20 मिनट तो फिर से ये होगा, और फिर सेकेंड अनलॉक करेंगे तो फिर ठीक से ये चलेगा। तो ये एक दिक्कत हो रहा है, इसके अलावा और तो कुछ प्रॉब्लम नहीं जैसे कि बता दिया, लेकिन ये एक मेजर इशू है, जब हमेशा आप फ़ोन यूज करेंगे तो यही दिक्कत होता है। तो ये कुछ यूजेस है, प्रॉब्लम हो रहा है इस फ़ोन के साथ, और आपके साथ भी हो रहा है तो कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं बहुत व्यूअर्स को पूछा था और बहुत सारे रिप्लाई भी आते हैं, उसी के बाद ये बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे से वो, इसीलिए मैं मेंशन भी कर दिया कि मेरे फ़ोन के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे वीडियो देख रहा हूँ कि हमेशा सब अच्छा ही बोल रहे हैं, सब कोई दिक्कत ये बारे में बोल नहीं रहे, तो मुझे भी डाउट होगा कि सिर्फ शायद से मेरा फ़ोन ही ख़राब हो सकता है, तो इसीलिए मैं वीडियो में मेंशन कर दिया कि मैं मेरे फ़ोन के बारे में बता रहा हूँ, और कुछ व्यूअर्स जो कमेंट किए थे उनका भी इशू मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अब बात करते हैं आखिर में ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं चाहिए, इशू को साइड करते हुए, क्योंकि ये जो इशू है ये तो मैं बता दिया मेरे साथ हो रहा है और कुछ कुछ व्यूअर्स के साथ हो रहा है, लेकिन बहुत सारे जो यूट्यूबर भी वीडियो बना रहे उनका फ़ोन शायद से अच्छा है, क्योंकि उन्होंने नहीं बताया तो शायद से उनका फ़ोन अच्छा होगा, तो इसीलिए ये सबको साइड में रख के बता रहा हूँ कि फ़ोन कैसा है। तो फ़ोन ओवरऑल ठीक ठाक है, लेकिन ये आप देखिए ध्यान देना कि गेमिंग खेलने में टाइम में या फिर GPS वगैरह काम आप ज़्यादा यूज करते हैं, यानी कि ऑर्डर वगैरह लेते हैं या फिर जो जोमेटो ओला उबर ये सब हो गया, तो ये फ़ोन आपके लिए नहीं है, बहुत हीटअप होता है और उससे के चलते बहुत ज़्यादा बैटरी भी ड्रेन होता है। इससे अच्छा है आप नार्जो का जो सीरीज आता है वो फ़ोन ले सकते हैं, या फिर पोको का भी जो फ़ोन आता है इसी प्राइस में आ जाते हैं 8,000 में, वो आप कंसिडर में कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल यूज कर रहे हैं, सिर्फ कॉलिंग कर रहे हैं और नॉर्मल वगैरह यूज कर रहे हैं, तो शायद से आप इसको प्रिफर में ला सकते हैं। और हाँ, अगर आपको आखिर माइक्रोमैक्स पसंद है तभी भी आप इसको कंसिडर में कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन बता दिया कि फ़ोन कैसा है, क्या कुछ है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और जैसे कि इस इशू को भी बता दिया, ये भी आपको ध्यान रखना कि इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो कर देना, और इस वीडियो के थ्रू इस फोन के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन मिल गया है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना अगर आप ये फोन लिए तो आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं, इसके बारे में जरूर से बताना। और एक सबसे जरूरी बात कि मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे हैं टेक बंड यूट्यूब चैनल, मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।